नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर कुपाघाट आश्रम परिसर में 10 फरवरी को सद्गुरु महर्षि मिहि के नवनिर्मित निवास भवन का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर सद्गुरु निवास समेत पूरे कुपाघाट परिसर को सजाया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम का उद्घाटन आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज समेत कई संतों की मौजूदगी में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत, विशिष्ट अतिथि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योग गुरु स्वामी रामदेव और पटना महावीर स्थान न्यास समिति के आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा किया जाएगा। वहीं जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और मिनट टू मिनट कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज के जीवनी पर आधारित फीचर फिल्म के पोस्टर का अनावरण किया जाएगा, जबकि अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि मिहि आश्रम कुपाघाट की ओर से सभी गणमान्य लोगों का स्वागत एवं संबोधन कार्यक्रम भी आयोजित होगा। इधर आम श्रद्धालुओं के लिए कुपाघाट परिसर का मुख्य द्वार बंद रहेगा, जबकि कार्यक्रम स्थल पर अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और प्रवेश द्वार पर गहन सुरक्षा जांच के इंतजाम किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम को लेकर अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने कहा कि कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जबकि यहां आने जाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज के मूल निवास का सौंदर्यीकरण किया गया है, जबकि गुफा के मुख्य द्वार में भ्रमण कर अतिथिगण पोस्टर का लोकार्पण कर अपना संबोधन देंगे। मुख्य कार्यक्रम गुरु निवास के सौंदर्यीकृत बिल्डिंग का लोकार्पण समारोह है, उनका लोकार्पण किया जाएगा पूज्य आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के द्वारा, और मुख्य अतिथि हमारे पूज्य सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, आचार्य किशोर कुणाल जी और भी अन्य विशिष्ट अतिथि लोग रहेंगे। सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए? सुरक्षा के इंतजाम बड़े चाक चौबंद हैं। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो है, यहाँ के प्रशासन बहुत मुस्तैद है। दो तीन दिनों से मैं देख रहा हूँ कि केंद्रीय पुलिस बल के जवान और भी कई सादे लिबास में जो पुलिस बल के जवान हैं और बिहार पुलिस की यहाँ जो है पूरी टुकड़ी जो है यहाँ कैंप कर रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर गुरुवार को भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागलपुर डालसा की सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि 11 फरवरी को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर समेत नवगछिया और कहलगांव कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत समारोह पूर्वक आयोजित किया जाएगा। सचिव ज्योति कुमारी ने बताया कि इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और इस बार सुनवाई के लिए कुल 26 बेंच तैयार किया जा रहा है। डालसा सचिव ने बताया कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में 17 बेंच, नवगछिया में 7 बेंच और कहलगांव में 2 बेंच का गठन किया गया है, जहां न्यायिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में लंबित सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह वर्ष 2023 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश डालसा के अध्यक्ष, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और पक्षकार शामिल होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत में पहले से अधिक मामलों का निष्पादन हो, इसके लिए प्रचार प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली, बीएसएनएल, पोस्टल, बैंक, सुलहनीय आपराधिक मामले, मोटर वाहन विवाद, पारिवारिक विवाद, विवाह संबंधी विवाद समेत कई तरह के मामले की सुनवाई होगी। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना के समीप बिजली ऑफिस की चार दीवारी गिरने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल बिजली ऑफिस के समीप घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण लोगों की आवाजाही लगी रहती है और सामने लोहिया पुल पर भी वाहनों का तांता लगा रहता है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लोग काम कर रहे थे, तभी बिजली ऑफिस की चार दीवारी अचानक गिर गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। बता दें कि इससे पूर्व भी ओवरलोडेड हाईवा ने बिजली ऑफिस की चार दीवारी में टक्कर मार दी थी, जिसके कारण वहां भीषण आग भी लग गई थी। जबकि एक बार फिर से हुई इस तरह की घटना से बिजली ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी काफी भयभीत है। अंदर में काम हो रहा था, जीसीबी चल रहा था, हाँ। जो नीचे कटवाई थी, हाँ। उसी में कोई घटना, कोई लोग
टोटो दबाया है, कहाँ पे घटना हुई है? अच्छा, कब हुई थी, कब हुई थी? भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल रोड के समीप चलती गाड़ी में लगी आग और बुलेट एवं कार के बीच हुई तेज टक्कर से अफरा तफरी मच गई। कार मालिक की पहचान खगड़िया के रिटायर्ड सरकारी शिक्षक रामानंद पासवान के रूप में हुई है, जो तिलकामांझी स्थित प्राइवेट गैरेज में गाड़ी ठीक कराने आए थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी ठीक कर मैकेनिक गाड़ी का ट्रायल लेने 0 माइल की ओर बढ़ा था, तभी तेज रफ्तार बुलेट ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई, जबकि घटना में बुलेट भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में बुलेट पर सवार एक युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कार मैकेनिक को स्थानीय पुलिस की मदद से कार से बाहर निकाल कर बचा लिया गया। भागलपुर में एक दरोगा समेत करीब आधा दर्जन सिपाहियों के खिलाफ कोर्ट में नालसी मुकदमा दायर किया गया है। पीड़िता द्वारा भागलपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में दिए गए नालसी आवेदन में पुलिस कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें एक दरोगा समेत करीब आधा दर्जन सिपाहियों के खिलाफ युवती ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए दरोगा और सिपाहियों के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही वरीय अधिकारियों द्वारा नहीं करने की भी बात कही गई है। दरअसल मामला भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पदस्थापित दरोगा रोहित रितेश, सिपाही रामविलास यादव, सुधीर कुमार यादव, सुबोध कुमार पाल के अलावा कुछ अज्ञात सिपाही के खिलाफ नरगा चौक निवासी नेहा कुमारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में नालसी मुकदमा दर्ज कराया है। दिए गए आवेदन में नेहा ने कहा कि बीते 18 जनवरी को पड़ोसी से उनका मामूली विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत पड़ोसी ने थाने में की, जबकि आपस में बातचीत के बाद उनके पड़ोसी अपनी शिकायत वापस लेने थाने गए, लेकिन इसी बीच आरोपी दरोगा रोहित रितेश ने जबरन शिकायतकर्ता को धमकाया और एक आवेदन लिखवा लिया। वहीं इस घटना का वीडियो पीड़िता के भाई के द्वारा बनाने की बात पता चलते ही दरोगा ने उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर उसका मोबाइल भी छीन लिया। साथ ही भाई और परिवार वालों के खिलाफ दरोगा ने फर्जी केस भी कर दिया। इधर इस संबंध में आरोपी दरोगा रोहित रितेश ने कहा कि नालसी बात के बारे में वह कुछ भी नहीं बोलेंगे, जबकि वरीय अधिकारी पूरे मामले को देख रहे हैं और इस पर कोई भी जवाब वरीय अधिकारी ही देंगे। किया है, लेकिन ये अपने हरकत से बाज नहीं आते हैं। इसी मामले में एक परिवार ने नेहा कुमारी, जो कि इनके घर में थोड़ी मोरी नोक झोंक बगलगीर से हुई, यानी अपने गोतिया से हुई, और इसी बीच गोतिया ने एक आवेदन दिया और उपरोक्त आवेदन को स्थानीय थाना में बिना प्राथमिकी दर्ज के उपरोक्त रोहित को रितेश जो है अपने दल बल के साथ बिना पुलिस महिला आरक्षी लिए इनके घर में दबंगता से घुस जाते हैं और उस दरवाजे को तोड़ देते हैं जहां इनकी मम्मी नहा रही होती है, और उस दरवाजे की कुंडी को तोड़ देते हैं, बंदूक के बट से तोड़ देते हैं। उसके बाद अंदर में अचब अवस्था में इसकी मम्मी तुरंत दौड़ के भाग जाती है अपने कमरे में, और जहां कमरे में जाने के बाद ये दरोगा उस कमरे को भी जूते के लात से और बट से तोड़ देता है। लाचार होकर के श्रीमान न्यायिक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ नालसी बात उपरोक्त पदाधिकारी के विरुद्ध दायर किया है। भागलपुर नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड में सड़कों एवं पुलिया की बदहाल स्थिति के खिलाफ और ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारी और संवेदक द्वारा मिलकर भ्रष्टाचार करने के खिलाफ इस्माइलपुर के जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल ने नवगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में धरना दे दिया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से जिला पार्षद विपिन ने कहा कि इस्माइलपुर की लगभग सभी सड़क जर्जर है, जो चलने लायक नहीं है, लेकिन संवेदक द्वारा किसी भी सड़क का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी राशि की बंदरवाट हो रही है, जबकि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा करीब 10 सड़कों का निर्माण कराया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। भ्रष्टाचार कहिए, सब लोग मिल के बंदर बांट शुरू। अब बगल में एक रोड बन रहा है लक्ष्मीपुर में, वहाँ सिर्फ बालू दिया जा रहा है। हम मेरे बार बार कहने के बाद भी अभी भी देखेंगे वहाँ पे बालू दिया जा रहा है, जबकि 5-6 दिन पहले मैंने उसका काम भी रुकवाया था, स्कूटी से बात भी हुई थी, तो फिर भी वही भ्रष्टाचार की स्थिति है। हम तो लगातार बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में मुख्यमंत्री तक को लिखे हुए हैं, DM तक को लिखे हुए हैं, SDO साहब तक को लिखे हुए हैं, हर विभाग को लिखा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पीरपैंती प्रखंड के बुनियादी केंद्र में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मैनेजर रजनीकांती ने किया। इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि पंचायत समिति को बुनियादी केंद्र में मिलने वाली बुनियादी सुविधा एवं सामाजिक पेंशन के सहयोग के लिए प्रचार प्रसार की जानकारी दी गई। मौके पर पंचायती राज पदाधिकारी दीपशिखा कुमारी, उपप्रमुख अंजू सिन्हा, चंद्रशेखर कुमार, राजेश कुमार सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।